देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। मुसलमानों से और खासकर देश के सभी लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अभी जो इशू मंजर आम पर आया है, अगरचे कि जो बात वहां हुई है वो निहायत हमारे लिए बहुत तकलीफ देह है और इससे हमारे दिल बहुत दुखी हैं और हम लोग हुजूर अल्लाह कुरान सुन्नत इस्लाम के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते, लेकिन हम ये भी जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों में जिस तरह का भाईचारा है वो बना रहे और इंशाल्लाह बना रहेगा। इसलिए मैं खास तौर से हमारे उन नौजवान भाइयों से और लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में सीपी साहब से बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई है और जिस तरह की बात उन्होंने पॉजिटिव अंदाज की है, हम उन पर एतमाद करते हैं और कोई भी ऐसी घटना होने के सिलसिले में उन्होंने ये हमें वचन दिया है कि वो अपने सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर उसके लिए वो अलर्ट हैं और वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात वो आने न दे जो कानून के दायरे में आए और कानूनी तौर पर हम उसके लिए कहीं मुजरिम न ठहरा दिए जाएं और इसके बारे में एहतियात बहरहाल जरूरी है। ये मामला एक दीगर कम्युनिटी की तरफ से आया है, बेशक हमारे ईमान और हमारे जज्बात वो जोश में आते हैं, लेकिन सही माना में मुसलमान और इस्लाम का दीन और उसका यानी अखलाक ये है कि उस जोश के साथ वो कभी भी अपने होश को न गवाएं। हमने उनसे किए है कि जो वीडियो जिस तरह की आई है और जो कहने वाले हैं या जिन्होंने वो प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम रखने वालों पर भी, कहने वालों पर भी और उनका साथ देने वालों पर भी और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों पर भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ में की जाए और उनके लिए एक ऐसी सजा दी जाए के बाद में किसी की हिम्मत ना हो कि वो इस तरह की कोई बात दोबारा कह सके। क्या सजा होनी चाहिए? औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है, उन्हें सिल्वर बटन मिला है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों को काम करते रहे। शुक्रिया।